हेलो गाइस मैं मै रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपाली किचन तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैंगो चीज़ केक की रेसिपी तो चीज़ केक वैसे तो अलग बनता है पर यहाँ पे मैंने फ्रॉस्टिंग जो की है वो क्रीम चीज़ वाली ही करी है मैंगो क्रीम चीज़ वाली फ्रॉस्टिंग तो यहाँ पे हमारा मैंगो क्रीम चीज़ वाला जो केक का फ्लेवर बिल्कुल यूनिक बन के तैयार है तो इसे मैंने बनाया है स्क्रैच से यानी कि जैसे घर में जो अपना मैदा वगैरह होता है ना उसी से तो ये मेरा ऑर्डर का ही केक है और ये मेरे घर के बिल्डिंग से ही मुझे ये ऑर्डर आया था उन्होंने मेरे हाथ का केक पहले भी टेस्ट किया हुआ है तो उन्हें बहुत पसंद आया था तो वो चाहते थे उन्हें मार्केट जैसा नहीं चाहिए था उन्हें घर जैसा ही केक चाहिए था तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कप के करीब दही और उसमें मैंने डाला है एक कप के करीब शक्कर पीसी हुई शक्कर है उसे मैंने लिया है और इसे हम आपस में मिक्स कर लेंगे दही और शक्कर आपस में मिक्स हो जाएगी और ताकि इसमें कोई लम्स भी हो तो वो भी निकल जाए कोई लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें है ना तो यहाँ पे हम इसको आप, आपस में मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे मैंने लिया है वन फोर्थ के करीब जो है ऑयल लिया है तो इसको इसमें डाल देते हैं और अब जो है दही शक्कर और ये जो ऑयल हमने डाला है इन सबको मिक्स करके आपस में इसका एक अच्छा सा पेस्ट जैसा बना लेंगे बिल्कुल आपस में ये मिल जाएगा एक जैसा हो जाएगा ये बिल्कुल है ना तो उस लेवल तक हमें इसको आपस में मिक्स करना है तो यहाँ पे आप बीटा लीजिए स्पेशला से भी कर सकते हैं आप उसकी जगह ये देखिए आप तीनों मिक्स हो गए हैं और पता ही नहीं चल रहा है कि ये तीनों कुछ अलग अलग थे तो अब यहाँ पे मैंने लिया है मैंगो का इमल्शन क्योंकि यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैंगो केक और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ ओटबू का फ्रेंच वनीला एसेंस ये घर का केक है तो इसमें ना थोड़ा सा वनीला भी मिक्स करेंगे तो अच्छा लगेगा इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा इन सभी को आपस में मिक्स कर लेंगे और घर का केक होने के बावजूद भी इसका टेस्ट बिल्कुल आज मार्केट में जैसा मिलता है वैसा ही आएगा और ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा तो यहाँ पर अब चलनी रख लेंगे देखिए मेरी चलनी मैंने रख दी और नीचे बैटर उसमें चिपक गया <laughs> तो इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर ही रखा है अब की बार और अब मैंने इसमें डाल दिया है एक कप के करीब मैदा और इसमें डाल दिए दो चम्मच मैंने मिल्क पाउडर और एक चम्मच मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर अब इन सभी को इसमें अच्छे से छान लेंगे ये हमने छान लिया है इसको अब इन सभी को हम अपने बैटर में मिक्स कर लेंगे ठीक है तो इन सबको अच्छे से हमको मिक्स कर लेना और एक स्मूथ सा बैटर हमें बना के तैयार कर लेना तो मैंने यहाँ पे फिर से वो ले लिया है अपना बीटर और इसको अच्छे से, अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल स्मूथ से हम बैटर बना लेंगे अभी आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी गांठे दिख रही हैं तो कोई बात नहीं इसको इस पर चले इससे कर लेंगे तो सारी घाटें निकल जाएंगी तो यहाँ पे हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है अब यहाँ पे मैंने लिया है छः इंच का एक केक टेन और इसको मैंने बटर पेपर से ग्रीस कर लिया है मेरी बटर पेपर लगा लिया है तो इससे क्या होगा हमारा केक जो है वो नीचे चिपकेगा नहीं और बहुत ही ईजीली ये केक हमारा निकल के आ जाएगा तो यहाँ पे अब इसको बैटर को हम इसके अंदर डाल लेते हैं आप इसको मैंने इस ये डालने से पहले ना अपने भगोने को जो है मैं भगोने में बेक कर रही हूँ तो उसको मैंने पहले से ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था तो उसको हो गया अब इसको बीट कर लेंगे इसमें अगर कोई एयर बबल हो तो वो निकल जाए तो यहाँ पे देखिए मैंने भगोने में इसको बेक करने के लिए रख दिया है और तीस तीस पच्चीस से तीस मिनट में ये बेक होके तैर अभी मैंने यहाँ पे लिया है मैंगो दो मैंगो लिए थे दो मैंगो का ये पल्प है क्योंकि यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ मैंगो का क्या बोलते हैं उसे क्रश बना रही हूँ यस yes. मैं भूल जाती हूँ यार मेरी मेरे साथ में ये बार बार प्रॉब्लम होती है बोलते टाइम में भूल जाती हूँ कि मैंने क्या कहता था यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब शक्कर ली है अब इस शक्कर को इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे वैसे तो मैंगो का क्रश मार्केट में आता है पर मेरे पास भी था ही मेरा खत्म हो गया था तो मैं मैंने सोचा मैंगो रखें तो चलो मैंगो से ही बना लेते हैं इसमें थोड़ा सा मैंने उबाल ले लिया ताकि इसका जो कच्चापन हो वो निकल जाए तो आप मार्केट आप चाहें तो मार्केट का भी क्रशिश में यूज कर सकते हैं पर अभी मैंगो का सीजन है तो भाई क्यों ना मैंगो को यूज किया जाए तो यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा अपना, क्या बोलते उसको फिर गई मैं <laughs> तो इसको जो बोलते हैं क्या <laughs> सॉरी हाँ तो याद आ गया मुझे इसको बोलते हैं फॉन्डेंट तो मैंने फॉन्डेंट को लिया इसको थोड़ा सा इसमें रेड कलर मैंने मिक्स कर लिया है तो इसको मैं केवल डेकोरेशन के लिए यूज कर रही हूँ Uh, क्योंकि मुझे कुछ डेकोरेशन में येलो येलो सब कुछ हो जाता मुझे कुछ रेड कलर भी ऐड करना था तो यहाँ पे अब मैंने लिया है फ्लावर फॉन्डेंट कटर तो ये फ्लावर के शेप का है इसको अब हम करके इसके छोटे छोटे फ्लावर्स बना लेंगे और ऐसे मैंने थोड़ा सा फॉन्डेंट अलग निकाल लिया था उसमें मैंने येलो कलर कर दिया था तो उसके गोले बना के इसके सेंटर में जो सेंटर फ्लावर का जो सेंटर पार्ट होता है ना तो वो मैंने बना लिया देखिए कितना सुंदर सा फ्लावर हमारा बन तैयार हो गया है अगर आपके पास में इसकी जगह ओरिजिनल फ्लावर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे मेरे फॉन्डेंट के फ्लावर्स तैयार हो चुके हैं और अब मैंने ये देखिए हमारा केक भी बनके तैयार हो गया है बहुत ही अच्छा फूला है ये केक तो यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ न्यूट्रल जेल दो तो चम्मच के करीब मैंने न्यूट्रल जल लिया है और इसमें पाइन बोल रही सॉरी मैंगो का इमल्शन मैंने डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे क्योंकि अभी काफ़ी गाढ़ा है तो इसको थोड़ा सा पतला करने के इसलिए मैं इसमें ड्रिप बनाऊँगी और ऊपर भी मैं इससे ग्लेस करूंगी इसको मैंगो के मैंगो केक के ऊपर तो इस इस कंसिस्टेंसी का हम इसे बना लेंगे तो अब मैंने यहाँ पे क्रीम बना लिया था तो अब मैं अंदर फिलिंग वाली क्रीम बना रही हूँ बाहर का जो क्रीम लिया था उसमें मैंने क्रीम चीज नहीं डाला था क्योंकि उससे शेपिंग में प्रॉब्लम आती है थोड़ा हमारा क्रीम पतला हो जाता है तो अब अंदर के जो फिलिंग वाला होता है उसमें मैंने क्रीम चीज डाल दिया है एक चम्मच भर के पूरा और थोड़ा सा मैंगो का इमल्शन भी डाल दिया है अब इसे बीट कर लेंगे सॉरी गाइस मैं अंदर इसको बता रही हूं, अपने बच्चे स्टडी टेबल के ऊपर क्योंकि बाहर मेरा बच्चा सो रहा था इसलिए तो तो मैं, तो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरी ये, आ, क्रीम तैयार हो गई है फिलिंग वाली क्रीम इसको पाइपिंग बैग में भर लेंगे तो ये हमारा पाइपिंग बैग तैयार हो गया है तो चलिए अब अंदर चलते हैं फिर से किचन की तरफ तो यहाँ पे मैंने अपने केक की तीन स्लाइसेस कट कर लिए आप देखिए कितनी तो सुंदर जाली आई है और बहुत ही सॉफ्ट हमारा केक बन के तैयार हुआ था कोई कह ही नहीं सकता कि स्क्रैच से बना हुआ था तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं अगर कस्टमर की डिमांड हो तो, तो यहाँ पे अब मैं इसको वाटर से इसको सो कर रही हूँ सिंपल वाटर से सो कर रही हूँ क्योंकि मेरे केक का जो टेस्ट है वो काफ़ी मीठा था तो मुझे लगा अगर मैंने शक्कर डाल दिया तो शायद और थोड़ा ज़्यादा मीठा हो जाएगा और उनको बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं चाहिए था वैसे भी मैंगो पल्प क्रश ये सब डलेगा तो और मीठा हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने आ, क्रीम की एक लेयर लगा दी थी, थी और ऊपर से एक बॉर्डर टाइप की बना दी थी, थी क्रीम की और अब मैंने इसमें डाल दिया दो चम्मच भर के क्रश बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे और अब मैं थोड़े से मैंगो के चंक्स भी इसमें डाल रही हूँ तो जब कोई खाएगा तो उसे लगना चाहिए कि हाँ भाई हमने मैंगो का केक खाया है तो अब फिर से सेकेंड लेयर मैंने रख दी है और ये केक सच में इतना डिलीशियस बना हुआ बना था और ना कस्टमर को भी ये केक बहुत पसंद आया क्योंकि वो मेरी बिल्डिंग के ही थे तो उन्होंने मुझे तुरंत ही खाते ही बराबर केक सेलिब्रेट करते ही बराबर मुझे उसका रिव्यू मिल गया था तो अब मैंने इसके ऊपर सेकेंड लेयर लगाती है क्रीम की तो उसी तरीके से बॉर्डर बना ली थी और ताकि हमारा क्रश जो है वो बाहर ना निकले है ना बाहर निकलेगा तो उससे जब हम आउटर कवर करेंगे ना उसको तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है तो मैंने फिर से क्रश डाल दिया था और मैंगो के चंक्स भी डाल दिए थे अब मैंने फाइनल लेयर इसकी रख दी है और इसको भी मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी सोक कर लूँगी तो गाइस आज मैं भूल गई थी फॉन्डेड बोलना <laughs> अगर आपको बुरा लगा हो प्लीज़ तो माफ़ कर दीजिएगा तो मैंने पता है वॉइस ओवर कट करके दोबारा से वॉइस ओवर करी मैं तो उस टाइम बिल्कुल ध्यान ही नहीं आ रहा था कि उसको फॉन्डेंट बोलते हैं सच में हद हो गई तो अब मैंने क्रीम से चारों तरफ से इसको अच्छे से कवर कर लिया है और इसको अच्छे से फिनिश कर लेंगे आप देख सकते हैं अगर आपको फिनिशिंग में प्रॉब्लम आती हो ना आपसे एक जैसा स्मूथ ना हो रहा हो तो आप क्या कीजिए एक गर्म ग्लास में गर्म पानी कर लीजिए अपने स्पैचुला को उसके अंदर डिप कीजिए और एक्स्ट्रा पानी झड़ा दीजिए और फिर स्मूथ कीजिए आपका केक बहुत अच्छे स्मूथ हो जाएगा स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है मुझे भी आती है अभी भी मैं उतना अच्छा फिनिश नहीं कर पाती हूँ पर फिर भी आई थिंक एट्टी टू नाइनटी परसेंट तो हो गया है आप बता दीजिएगा तो यहाँ पे मैंने जो जेल बना के तैयार किया था मैंगो का उसकी मैंने ड्रिप्स बना ली है और अब ऊपर से इसको थोड़ा पूरा कवर कर लेंगे मैंगो के जेल से है ना तो इसको मैंने अच्छे से कवर कर लिया है अब मैं नीचे बना रही हूँ इसकी बॉर्डर छोटा वाला स्टार नोजल मैंने लिया था और वाइट कलर के क्रीम को इसमें भर के इससे इसकी चारों तरफ से सुंदर सी बॉर्डर बना देंगे तो मेरा बोर्ड भी छोटा था अगर थोड़ा बड़ा नोजल लेती ना तो वो पूरा ही कवर कर लेता फिर पकड़ने में भी उसको दिक्कत आती है और अभी करीब अभी केक को मुझे फ्रिज में रख के थोड़ा सेट भी करना था आधे घंटे के करीब मैंने इसको सेट किया था तो अगर सेट नहीं करो तो केक को देने में अभी प्रॉब्लम आती है थोड़ा सा और अभी क्या है थोड़ा सा गर्मी का मौसम भी है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसलिए केक को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है वैसे तो ये काफ़ी बिल्डिंग का ही था लेकिन अगर थोड़ा दूर जाना होता तो प्रॉब्लम आती तो यहाँ पे अब मैंने लिया है ओपन वाला जो नोज़ल होता है ना उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है इस नोज़ल को मोदूक नोजल भी बोलते हैं कई लोग तो ये देखिए मेरा पाइपिंग बैग भी यहाँ पर फट गया था मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रेशर दे दिया था तो यहाँ पर मैं ऐसे दो पास पास में दो दो मोदुक की तरफ रख रही हूँ और फिर मैंगो के चंक्स मैंने रख दिए थे फिर मुझे थोड़ा सा खाली स्पेस दिख रहा था तो मैंने थोड़े से और बना दिए डिज़ाइन क्योंकि खाली खाली सा अच्छा नहीं लग रहा था वो देखने में तो मैंने इसीलिए थोड़े से और बना दिए तो गाइज़ आपको ये मैंगो चीज़ केक की रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा गाइज प्लीज़ तो यहाँ पे हमने जो अपने फॉन्डेंट के फ्लावर्स कट करके रखे थे उनको उसके ऊपर डाल देंगे तो अब देखिए येलो वाइट और पिंक कलर का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है और अब मेरे घर पे जो पुदीना लगा हुआ था तो वो मैंने इसके डाल दिया देखिए ग्रीन कलर ऐड होती है कि कितना ज्यादा खूबसूरत लगने लगा है ना गाइस तो अगर इसकी जगह आप चाहें तो क्रीम से भी पत्तियां बना सकते हैं पर पुदीना की पत्ती ऐड करने से क्या होता है कि एक में थोड़ी सी फ्रेशनेस और आ जाती है तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी बीच का सेंटर पार्ट मुझे खाली लग रहा था तो यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर के स्प्रिंकल्स डाल दिए हैं वैसे तो यहाँ पे बर्थडे टैग लगेगा पर वो मैंने अभी लगाया नहीं मैं क्या करती हूँ केक जब देती हूँ तो उसमें उनको ऊपर रख के दे देती हूँ ताकि वो अपने हिसाब से इसको लगा सकें तो अब मैंने थोड़ा सा जो मेटेलिक स्प्रे होता है गोल्डन कलर का वो डाल दिया देखिए कैसे चांस सितारे की तरह चमक रहे हैं ना और इसको डालने से ना हमारे केक में अच्छी सी शाइन आ जाती है और केक बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है तो अब देखिए मेरा केक बन के तैयार हो गया है आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपको ये केक कैसा लगा कस्टमर को तो ये ऑब्वियसली बहुत पसंद आया वो पहले भी टेस्ट कर चुके थे तो उन्होंने यही मुझे ऑर्डर दिया है आई होप आपको भी ये केक और केक का डिज़ाइन ये रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए इंजॉय कीजिए आप इस वीडियो को मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय